हाय गाइस, आपका स्वागत है एमिनेंट क्लासेज में। हमने पिछले वीडियो में दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में चर्चा की थी, अर्थात हमने भौतिक प्रदेश के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आगे हम स्टार्ट करते हैं जलवायु के बारे में कि राजस्थान की जो जलवायु है वो क्या है या जलवायु कैसी है या हम इस जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं और जलवायु ऋतु वर्गीकरण अपना राजस्थान का कैसा है और जलवायु संबंधित हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आगे हम देखते हैं कि हमारी यहाँ पर जलवायु है वो किसी है, जलवायु किसे कहते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं जलवायु किसे कहते हैं। तो जलवायु है, मान लो कि अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल है। तो जो वायुमंडल में जो अल्पकालीन जो घटनाएं होती हैं उन अल्पकालीन घटनाओं को हम कहते हैं मौसम। मौसम जो परिवर्तन होता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, अरब सागर की शाखा से जो मानसून आता है तो उसको हम मौसम कहते हैं कि अलग अलग मौसम परिवर्तन होता रहता है, कभी गर्मी हो जाती है कभी सर्दी हो जाती है। तो उसी प्रकार की जो वायुमंडल की जो अल्पकालीन जो घटनाएं होती हैं उनको हम मौसम कहते हैं और जो वायुमंडल की जो दीर्घकालीन जो घटनाएँ होती हैं उन दीर्घकालीन घटनाओं को हम कहते हैं क्या, जलवायु। क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। अब हम बात करें तो देखते हैं कि जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन जो घटनाओं हैं उन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। हम देखें कि जो जलवायु है उसका निर्धारण किस आधार पर किया जाता है, तो जलवायु है उसका निर्धारण 30 जो वर्ष है उनकी औसत दशाओं के आधार पर किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो जलवायु है उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, तो ध्यान रखना है कि 30 वर्षों की औसत दशाओं के आधार पर जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अब हम बात करें कि राजस्थान है तो राजस्थान में जलवायु कैसी है, तो राजस्थान में जलवायु कैसी है, तो राजस्थान में जलवायु है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु अपना राजस्थान कहाँ पाया जाता है, तो मान लो ये ग्लोब है, सबसे ऊपर शीत और यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध और ये वाला हिस्सा है 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 दक्षिण के मध्य है उष्ण कटिबंध और राजस्थान आता है आधा क्या, शीतोष्ण कटिबंध में पूरा भाग आता है लेकिन एक जिला बांसवाड़ा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसी कारण यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का निर्माण होता है। हम बात करें कि सूर्य की किरणें कहाँ से कहाँ तक आती हैं, सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, यहाँ पर भूमध्य जो रेखा है उस पर पड़ती है, इधर तिरछी रेखा पड़ती है कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर। हम बात करें राजस्थान की स्थिति की कि राजस्थान के शीतोष्ण भाग में कितने ज़िले आते हैं और उष्ण भाग में कितने ज़िले आते हैं, तो राजस्थान के शीतोष्ण भाग में ज़िले आते हैं कितने, 32 ज़िले शीतोष्ण भाग में आते हैं और उष्ण भाग में ज़िला आता है एकमात्र बांसवाड़ा। तो ध्यान रखना है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कौन सा ज़िला आता है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में एक ज़िला आता है वो कौन सा है, बांसवाड़ा। इसी के प्रभाव के कारण राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाती है। हम अब बात करें जलवायु वर्गीकरण की कि जो जलवायु का वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है, तो किस आधार पर किया जाता है जलवायु का वर्गीकरण। एक तो जलवायु का वर्गीकरण सामान्य आधार पर किया जाता है, एक व्यक्तिगत वर्गीकरण कि किन किन व्यक्तियों ने उसको किस प्रकार से जलवायु को अलग अलग भागों में बताया है, इसके बारे में हम चर्चा
करेंगे। सबसे पहले हम सामान्य वर्गीकरण की बात करें तो सामान्य वर्गीकरण में जलवायु कितने प्रकार की होती है। सामान्य वर्गीकरण में जलवायु होती है वो कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। और इसका आधार क्या रखा जाता है कि हम किसी भी जलवायु का वर्गीकरण करते हैं तो उसके लिए आधार रखते हैं कि हमने किस आधार पर इसको वर्गीकरण किया है। तो इसका सामान्य वर्गीकरण का आधार वर्ष है, मतलब आधार है वो है वर्षा। वर्षा के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा है। अब हम व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करें कि व्यक्तिगत वर्गीकरण में कौन कौन है। एक तो है कोपेन, दूसरा है टिरवाथा और तीसरा है थ्रॉन्थवेट। तो कोपेन ने वनस्पति के आधार पर, वनस्पति, वर्षा, तापमान के आधार पर जो जलवायु है उसका वर्गीकरण किया है। ट्रिवार्ता है, उसने वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया है। और जो थ्रॉन्थवेट है, उन्होंने तापमान और वाष्पीकरण की मात्रा और वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया है। तो ध्यान रखना है कि कोपेन ने वनस्पति पर, मुख्यतः वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया है, ट्रिवार्ता ने वर्षा के आधार पर, और थ्रॉन्थवेट ने तापमान, वाष्पीकरण की मात्रा और वर्षा, इसका मत सर्वाधिक प्रचलित है। तो इन आधारों पर इनका वर्गीकरण किया गया है। हम सबसे पहले बात करते हैं सामान्य वर्गीकरण की, कि जो सामान्य वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है। राजस्थान की जलवायु को सामान्य आधार पर 5 भागों में बांटा जाता है, जो हमने देख लिया। और इसका आधार वर्ष, आधार मतलब इसका आधार है वर्षा को माना गया है। अब हम बात करें कि कौन कौन से जो वर्षा के आधार पर जो भाग बांटे गए हैं इसके, तो हम सबसे पहले बात करें कि मान लो कि ये अपना राजस्थान है। राजस्थान में सबसे पहले हम बात करें शुष्क कटिबंधीय जिले जलवायु की, वहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है। तो ये वाला हिस्सा है जैसलमेर वाला, 0 से, इसको हम बोल सकते हैं यहाँ से 0 से 20 सेमी, 0 से 20 सेमी। यहाँ पर प्रदेश कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है वो वाला, या हम इसको बोल सकते हैं शुष्क मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है वो। अब हम बात करें अर्धशुष्क कटिबंधीय जलवायु की, कि अर्धशुष्क कटिबंधीय जलवायु दूसरा भाग है जलवायु का, और वहाँ पर जो वर्षा रेखा है वो कितनी है, जो 20 से लेके जो 40 वर्षा सेमी है, 20 से 40 सेमी इसकी जो वर्षा रेखा है। और यहाँ पर जो भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, ये भी पश्चिमी मरुस्थल, या हम बोल सकते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र। आगे हम बात करें उप आदर कटिबंध जलवायु की, कि जो उप आदर कटिबंध जलवायु है वो कौन सी वर्षा रेखा में आती है, तो वो आती है 40 से 60 सेमी। ये 40 सेमी है और ये वाली 60 सेमी, और 50 सेमी को तो अपन अरावली बोलते ही हैं। तो 40 से लेकर 60 सेमी तक अरावली, मतलब अर्थात इसका भौतिक प्रदेश कौन सा हो गया, अरावली वाला क्षेत्र हो गया। अब हम आदर कटिबंध जलवायु की बात करें तो आदर कटिबंध जलवायु में वर्षा रेखा कितनी है, तो वर्षा रेखा होगी 60 से 80 के मध्य। 60 से 80 के मध्य कौन सा हिस्सा आता है, 60 से 80 के मध्य, तो ये इधर पूर्वी मैदान जो जलोढ़ का मैदान है, तो ये कौन सा भौतिक प्रदेश हुआ, पूर्वी मैदानी भौतिक प्रदेश। अब हम अंतिम बात करें अति आदर कटिबंध जलवायु की, तो यहाँ पर वर्षा रेखा है कितनी, 80 से 120 सेमी, और ये क्षेत्र कौन सा है, ये इधर वाला क्षेत्र दक्षिण वाला, तो कौन सा है, हाड़ौती वाला क्षेत्र इसके अंदर आता है। तो इसी के आधार पर सामान्य वर्गीकरण 5 भागों में, आधार है इसका वर्षा, तो इसको 5 भागों में बांटा किया था। अब हम व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करते हैं, तो हम मैप के आधार पर देखें तो ये हो गया शुष्क वाला, ये अर्धशुष्क, और ये उपादर, ये वाला अरावली वाला उपादर, और ये वाला मैदानी भाग आदर, और ये वाला हो गया आपका अति आदर वाला हिस्सा। अब हम बात करें व्यक्तिगत वर्गीकरण की, कि व्यक्तिगत वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में,
तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में आरएस मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को समझाइए 100 शब्दों के अंदर। तो 100 शब्दों के अंदर भी इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम बात करते हैं इसके वर्गीकरण की, तो इसको जलवायु को राजस्थान की जो जलवायु है उसको वर्गीकरण के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। और उसका आधार क्या था? वनस्पति था, वर्षा था और तापमान। वनस्पति, वर्षा व तापमान को इसका आधार माना गया था। अब इसके कुछ नाम है तो उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम बात करें ए, तो ए है वो किसको बताया गया है? ए किसको डिनोट करता है? ए है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को डिनोट करता है। हम बी की बात करें तो बी है वो शुष्क को डिनोट करता है। और शुष्क में 2 भाग हैं, एक तो डब्लू है और एक एस है। डब्लू हम बोलेंगे शुष्क मरुस्थल को और एस हम बोलेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल या स्टेपी जलवायु। आगे हम बात करें सी की, तो हम सी बोलेंगे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को। डी का मतलब है यहाँ पर हिमतुल्य और ई का मतलब है बर्फ या टुंड्रा तुल्य। जो ये वाले क्षेत्र हैं राजस्थान में नहीं है, ये इधर हिमालय वाले क्षेत्र हो गए। आगे हम बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से बांटा गया है। तो हमने बात कर ली थी कि बी है उसको डब्लू और एस यहाँ पर पाई जाती है, जो शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, और एस का मतलब अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु है। हमने बात की तो यहाँ पर जो राजस्थान है कि मान लो ये अपना राजस्थान है, तो राजस्थान में है ए डब्लू, बी डब्लू एस डब्लू, बी एस एस डब्लू और सी डब्लू जी। तो इनको किस आधार पर बांटा गया है उनके बारे में हम देखते हैं कि जो बी डब्लू एच डब्लू है तो वो कौन सा हिस्सा है? ये वाला हिस्सा है। बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू वाला कौन सा हिस्सा है? ये हिस्सा है। और यहाँ पर जिले कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? तो जिले आते हैं जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है, और यहाँ तक देखो यहाँ तक जा रही है ये, तो ये ऊपर वाले जिले भी आ गए। तो ये आ गए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू हैं इनके आंशिक भाग। थोड़े भाग ही दिख रहे हैं, तो इनके आंशिक भाग इसके अंदर आते हैं। अब हम बात करें बी एस एच डब्ल्यू की, जो अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र है, तो उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, कौन सा क्षेत्र है? इसमें लूनी बेसिन आता है। लूनी बेसिन में 6 जिले होते हैं, जोधपुर, पाली, वो जिले आगे इसके अंदर। एक नागौर आता है, शेखावाटी आता है, शेखावाटी में 3 जिले होते हैं। और जो घग्गर बेसिन है वो घग्गर बेसिन आता है गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो। अब हम बात करें सी डब्ल्यू जी की, तो सी डब्ल्यू जी में कौन सा आता है? तो सी डब्ल्यू जी में आता है जो मैदानी भाग है वो मैदानी भाग। तो इसको हम ट्री के आधार पर देखेंगे कि कौन कौन से जिले आते हैं, ए बी सी डी और आर एस टी यू। तो ए का मतलब यहाँ पर आ गया अजमेर, बी का मतलब यहाँ पर आ गया भीलवाड़ा और बूंदी, सी का मतलब हुआ यहाँ पर कौन सा चित्तौड़गढ़, डी का मतलब दौसा और जयपुर वाला क्षेत्र। आर एस टी यू की बात करें तो आर का मतलब राजसमंद जिला, एस का मतलब सिरोही और सवाई माधोपुर, टी का मतलब टोंक और यू का मतलब उदयपुर। ए डब्ल्यू की बात करें तो ए डब्ल्यू वाला क्षेत्र आ गया ये इधर आदर वाला भाग, हाड़ौती वाला क्षेत्र। तो हाड़ौती आता है बूंदी को छोड़कर, क्योंकि बूंदी है वो पूरे मैदानी भाग में यहाँ पर आ गया। और वागड़, वागड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। और माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है वो अर्ध आदर वाले क्षेत्र में आता है। अब हम बात करें ए डब्ल्यू वाले जो क्षेत्र है उसके बारे में, या हम बोल सकते हैं शुष्क मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, इसका विस्तार क्या है, और यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें जलवायु की, तो यहाँ पर जलवायु कौन सी हो गई?
उष्ण कटिबंधीय है। कौन सी जलवायु है यहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या अति आर्द्र जो जलवायु है वो, तो ये मान लो कि राजस्थान है, और राजस्थान में ये वाला भाग ही तो है AW जो हाड़ौती वाला भाग है। तो यहाँ पर जलवायु कौन सी हो गई? अति आर्द्र जलवायु, या हम बोल सकते हैं इसको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। हम वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पर सवाना वनस्पति पाई जाती है। सवाना हम किसे कहते हैं? सवाना हम कहते हैं ऊँची व सघन जो घास होती है उसको हम सवाना कहते हैं। अब हम इसके विस्तार की बात करें कि इसका विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसका विस्तार है कोटा, बारा और झालावाड़ ज़िला, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला ज़िला और माउंट आबू। इस जलवायु प्रदेश में सघन वनस्पति पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु है, सर्वाधिक वर्षा होती है, इसी कारण यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। अगले वाले के बारे में हम बात करें, अगले भाग की BWHW कि यहाँ की वनस्पति कौन सी है, यहाँ का विस्तार कौन सा है, यहाँ की जलवायु कौन सी है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो BWHW वाला भाग है यहाँ पर जलवायु कौन सी है? यहाँ पर जलवायु है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। हम वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाएगी कि मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स का मतलब है यहाँ पर कोई वनस्पति भी नहीं पाई जाती। ये वाला हिस्सा है शुष्क मरुस्थल कि यहाँ पर जो मरुद्भिद वनस्पति है जो मरुस्थल में उगने वाली वो पाई जाती है, या हम जीरोफाइट्स भी इसको कहते हैं कि जहाँ पर कोई भी पौधा ना उग सके। हम इसके विस्तार के बारे में बात करें कि इसका विस्तार है, इस क्षेत्र का विस्तार कौन कौन से ज़िलों में है। तो इस क्षेत्र का विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर, और इसका आंशिक भाग कहाँ पर है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले के अंदर। हम बात करें इसकी कि यहाँ पर न्यूनतम वर्षा वाला जलवायु प्रदेश है वो जहाँ पर कंटीली वनस्पति पाई जाती है। कंटीली वनस्पति क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहाँ पर जो पानी का संचरण होता है वो कांटों के द्वारा कर लिया जाता है, इसी कारण ही वहाँ पर कंटीली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अब हम BSHW की बात करें तो BSHW है वहाँ पर जलवायु कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पर जलवायु पाई जाती है अर्धशुष्क मरुस्थलीय या स्टेपी जलवायु भी हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पाई जाती है अर्धशुष्क मरुस्थलीय या स्टेपी जलवायु। हम वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाएगी? यहाँ पर वनस्पति पाई जाएगी स्टेपी वनस्पति। स्टेपी वनस्पति में कौन से आते हैं? जैसे आपके बबूल है, बबूल और जो अन्य है वो। हम विस्तार की बात करें इसकी तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन, नागौर और सेकावाटी जिलों के अंदर जो इसका विस्तार है। हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो है BSHW वाला भाग है। जो पूछ लिया जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है वो है, तो BSHW ये वुमन सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम और जो पटवार 2015 की एग्ज़ाम थी और जो ग्राम सेवक 2015 की एग्ज़ाम थी, वहाँ पर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में कम 4 या 5 क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों में पूछे गए थे, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना है कि सामान्य वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है और किस प्रकार से है, और जो व्यक्तिगत वर्गीकरण है वो किस प्रकार से अलग अलग भागों में बटा हुआ है, इनके नामकरण का ध्यान रखना है कि जो BSHW हम किसे बोलते हैं, BWHW किसे बोलते हैं, AW किस भाग को बोलते हैं और CWG में कौन सा भाग आता है। तो इनका ध्यान रखना है कि यहाँ पर वनस्पति कौन सी पाई जाती है, यहाँ की जलवायु के बारे में और यहाँ का विस्तार कौन कौन से जिलों के बारे में है, तो इसका ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और पूछा भी गया है,
तो आगे हम बात करते हैं CWG के बारे में। तो CWG है वहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर जो जलवायु है वो पाई जाती है उप आदर जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अब हम वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति है वो पाई जाती है कौन सी वनस्पति, मानसूनी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। अब हम CWG के बारे में विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार है ABCD जो हमने पहले भी चर्चा की है। दोबारा बात करते हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, आरएसटी, राजसमंद, सिरोही, सवाईमाधोपुर, टोंक, उदयपुर और जयपुर। और ये जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है उसमें सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक जो प्रदेश है वो है, और यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये सर्वाधिक उपजाऊ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर है जो नदियाँ बहती हैं, नदियों के द्वारा मैदानों का निर्माण किया जाता है और ये मैदानी भाग उपजाऊ होते हैं। इसी कारण यहाँ पर कृषि पर आधारित जनसंख्या वो है ज़्यादा है, इसी कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। आगे हम दूसरे व्यक्तिगत वर्गीकरण की बात करें तो दूसरा व्यक्तिगत वर्गीकरण कौन सा है, त्रिवार्ता जलवायु वर्गीकरण। तो इसका आधार क्या था, इसका आधार था वर्षा, और ये कितने भागों में बांटा था इसको, जलवायु को 4 भागों में बांटा था। अब हम इसकी बात करें कि जो कोपेन है वो उसने वर्गीकरण किस प्रकार से किया था और त्रिवार्ता ने उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम बात करते हैं कि जो कोपेन का जो वर्गीकरण था वो किस प्रकार से था, तो उसका वर्गीकरण था AW, BWSW, BSSW, CWG। त्रिवार्ता ने इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया, त्रिवार्ता ने इसका वर्गीकरण किया जो आदर जलवायु थी उसको भी इसने AW ही रखा। इसने जो शुष्क जलवायु थी उष्णकटिबंधीय जलवायु सॉरी मरुस्थलीय जो जलवायु थी उसको किस प्रकार से रखा, इसने BWH को, और जो स्टेपी जलवायु थी इसने बताया BSH, और जो मैदानी भाग वाली थी उसको बताया इसने CAW। तो ध्यान रखना है कि त्रिवार्ता के नामकरण कौन से थे और कोपेन के नामकरण कौन से थे। तो इसके अनुसार AW वाला हिस्सा वर्षा रेखा कौन सी थी, 100 सेमी वाली। BWH में कितनी वर्षा होती है, 10 सेमी। BSH में कितनी होती है, 30 सेमी। और CAW में कितनी होती है, 70 सेमी वर्षा का जो आधार रखा था वो रखा था इन्होंने। आगे हम बात करते हैं थ्रांतवेट जलवायु वर्गीकरण की, कि जो थ्रांतवेट है उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किस प्रकार से किया। तो थ्रांतवेट थे उन्होंने जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा था, और इसका आधार क्या रखा था, तापमान, वाष्पीकरण की मात्रा और वर्षा को इसने आधार माना था। और इसने किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया इसके बारे में हम देखते हैं। इसने जो सी है सी को डिनोट किया इसने उप आदर से, डी को डिनोट किया इसने अर्ध शुष्क से, और ई को डिनोट किया इसने शुष्क से। अब सी से CA-W, डी से इन्होंने बनाया DA-W और DB-W, और ई से बना E-D। अब इनको हमने राजस्थान में किस प्रकार से डिनोट किया वो देखते हैं। तो ये वाला हिस्सा है इन्होंने EA-D बताया, इसका मतलब शुष्क, तो शुष्क में ये हिस्सा आता है तो इसने EA-D इसको बताया। तो यहाँ पर अब जलवायु कौन सी हो गई, यहाँ पर जलवायु हो गई शुष्क कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर हो गई। और इसका विस्तार कौन सा हुआ, जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर, इसके अंदर ये ज़िले आ गए। कौन कौन से ज़िले आ गए, जैसलमेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर। आगे ऊपर हवाले भागों की बात करें हम DB-W, इन्होंने डी को अर्ध शुष्क माना और अर्ध शुष्क को इसने 2 भागों में बांटा था, तो इसने DA-W और DB-W के में बांटा था। तो हम बात करते हैं DB-W की, तो DB-W में जलवायु कौन सी है, जलवायु है शुष्क अर्ध शुष्क जलवायु। इसका विस्तार इसने कहाँ से कहाँ तक किया, इसका विस्तार इसने किया है बीकानेर, चूरू,
बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ में, ये वाले जिले आ गए। इस तरह कहाँ से कहाँ तक? बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ के बारे में। अब हम बात करें DADSW, तो DADSW पर यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? यहाँ पर जलवायु पाई जाती है अर्ध शुष्क जलवायु। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ABCD प्लस RTU और जयपुर। हमने पता है कि ABCD में कौन कौन से जिले आते हैं, RSTU में कौन से जिले आते हैं, और ये वाला जयपुर वाला जो हिस्सा है और शेष जो अन्य है। अब हम बात करें CADSW की, तो CADSW में कौन कौन से जिले आते हैं या इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और जलवायु कौन सी है? तो यहाँ पर जो जलवायु है वो कौन सी पाई जाती है? यहाँ पर जलवायु पाई जाती है उपादर। विस्तार कहाँ से कहाँ तक है इसका? हाड़ोती, हाड़ोती में कहाँ पर? बूंदी को छोड़कर वागड़ और माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है वो। हम त्रांतवेट को जलवायु का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? त्रांतवेट के अनुसार जलवायु का सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रदेश है DADSW। व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण में सर्वाधिक मान्यता किसे प्राप्त है? त्रांतवेट के जलवायु जो वर्गीकरण है इसको व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरण के आधार पर सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। तो व्यक्तिगत वर्गीकरण के आधार पर इसको किस प्रकार से बांटा गया है, तो इनका नामकरण किस प्रकार से किया गया है, तो इसके बारे में ध्यान में रखना है। थैंक यू।